solve for x. log 5, log 4, और याद रखा है log ऑफ x बेस 3 इक्वल टू 0. वन लाइनर क्वेश्चन है, एक लाइन का क्वेश्चन है, बस आपको डायरेक्ट याद दिलाना बहुत है. ये कैंसिल आउट, पांच इसके चरणों में, पांच की बार 0, 1. याद आ गया भाई, बिल्कुल मिला लेते हैं आपके आंसर को भी. राइट है भाई. अच्छा अगली बार अगला लॉग कैंसिल आउट हुआ, चार इसके नीचे, चार की पावर 1, चार बन गया. यहां पे हो गया लॉग एक्स बेस कितना 3, फिर ये कैंसिल आउट हुआ, एक्स यही रह गया और ये 3 की पावर 4 हो गया. 3 की पावर 4 बोले तो 81. सो आंसर इज 81 है ना, वेरी इजी है. अच्छा नेक्स्ट पे आ जाते हैं. सेटिस्फाइंग, x टू द पावर log x प्लस 5 डिवाइड बाई माइनस 3, राइट है, इज इक्वल टू मे 10 टू द पावर 5 प्लस log x. ठीक है भाई, मैं दोबारा से याद दिला देता हूं. अगर बाई द वे छोटी सी बात है, उम्मीद है क्वेश्चन ऐसा मुश्किल नहीं है, कई जने सोच जाएंगे करना क्या, आंसर भी बता देंगे अभी, राइट है. लेकिन इंपॉर्टेंट है कि आपको वापिस पॉइंट आउट करना कि अगर कभी भी क्वेश्चन के अंदर किसी की डिग्री में कुछ भी हो, माने एक्सपोनेंशियल टर्म में अगर कभी कुछ हो, तो अपने लिए बेस्ट ये रहता है कि हम लोग उसको सॉल्व करना चाहें तो टेक लॉग बोथ द साइड्स. अगर बाय द वे मैं लॉग जो है वो दोनों साइड ले रहा हूं, तो मेरे को हमेशा इस पे नजर रखनी चाहिए. ये अगर 2 होता, अगर यहां 2 होता तो लॉग विद बेस 2 लेता, क्योंकि ये लॉग 10 है, इसलिए मैं लॉग बेस 10 लूंगा. अगर मैं लॉग बेस 10 लेता हूं, तो मैंने लॉग बेस 10 दोनों साइड लगा लिया, x टू द पावर में हो गया log x प्लस 5 डिवाइड बाई कितना माइनस 3, इट इज कंप्लीटेड. राइट है भाई. अच्छा इज इक्वल टू मैं यहां पे भी जैसे मैंने log बेस 10 लगाया, तो ये अपने आप में कितना हो गया log बेस 10, 10 टू द पावर कितना 5 प्लस log x. ठीक है ना, नाउ इट इज ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड इफ इट इज नॉट रिटन इन साइड एनीथिंग. ठीक है, तो यहां पे अपन लोग ऑटोमेटिकली 10 मान के चल रहे हैं. राइट है, उसी प्रकार से यहां पे भी 10 मान रहे हैं. अच्छा अगर मैंने 10 मान लिया तो ऑब्वियस ही बात है ये डिग्री कहां आएगी, जम करके आगे log 10 बेस 10 1, तो इट इज नाउ 5 प्लस log x. कोई मुश्किल काम, सही है ना भाई. अगले की बात करता हूं, उसी प्रकार से ये वाली जो डिग्री है ये भी जम करके आगे आ जाएगी. अगर ये जम करके आगे आ गई तो यहां पर रह जाएगा log x प्लस 5 डिवाइड बाई नीचे कितना माइनस 3, इट विल कम फॉरवर्ड, और पीछे क्या रह जाएगा log x बेस 10 रह जाएगा कि नहीं रह जाएगा. अच्छा अगर ये log x बेस 10 रह गया, तो अब कहानी को चाहो तो किसी भी तरीके से खेल लो. अगर आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना चाहें डायरेक्ट, और अगर भाई जो log ऑफ x बेस 10 को t मानना चाहते हैं, तो आप में से सभी लोगों को ये t स्क्वायर प्लस 5t दिख जाएगा. अच्छा और ये 3 इधर की तरफ आ जाएगा, तो यहां पर हो जाएगा माइनस का 15 प्लस में कितना, प्लस में माइनस 3t. क्या ख्याल है, माइनस का 3t. सारी चीजों को अगर मैं उधर ले जाऊं तो ये हो जाएगा कितना t स्क्वायर प्लस 8t. ठीक है, प्लस का 15 इक्वल टू 0. कितने लोगों को ये चीज में आगे कहानी समझ में आ गई, क्या लिखूं बोलो. आप बोलोगे वो लिख दूंगा मैं, तो टी प्लस 3 टी प्लस 5 लिख दूं भाई. तो मैंने इसको लिख दिया टी प्लस 3 इंटू में कितना टी प्लस 5 इक्वल टू 0. बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कोई ज्यादा लंबा चौड़ी बात भी नहीं करी, बस सिर्फ आपको बेसिक याद दिलाता जाऊं टी इक्वल टू माइनस 3 और टी इक्वल टू कितना हो गया माइनस 5. ठीक है, तो उम्मीद है ध्यान होगा टी की वैल्यू खुद की कितनी है भाई, लॉग ऑफ एक्स बेस 10 इजिकल टू कितना हो गया माइनस 3 और log ऑफ x बेस 10 इजिकल टू कितना माइनस 5. याद है ना, इसके डंडा पड़ा 10 इसके चरणों में, x इजिकल टू 10 टू द बार कितना माइनस 3. उधर की तरफ अगर बात करते हैं तो वापस इसको हटाया, 10 वापस इसके चरणों में, x इजिकल टू 10 टू द बार माइनस 5. सो दिस इज x की टू वैल्यूज है ना जो अपने को चाहिए थी. बहुत सिंपल है क्वेश्चन में, कोई बड़ी बात नहीं, बस सिर्फ आपको याद दिला देता हूं. ठीक है, कि अगर कभी भी एक्सपोनेंट में कुछ भी होता है तो पहला काम हम ये करते हैं लॉग ले लेते हैं. ठीक है, ताकि आपको याद आ जाए कि हाँ हमने ये सब सुना हुआ है. अरे बंद करना था या स्टार्ट करना था, क्या करना था, बंद करना था या स्टार्ट करना था, स्टार्ट करना था, स्टार्ट ही तो है. हाँ वो मैं कर दूंगा धीरे धीरे. आप मुझे तो लगा कि शायद आप में से कई लोग ये क्लिक ही नहीं कर रहे, करना क्या है ना भाई. अच्छा अगले पॉइंट पे बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है
लिस्टेशन ले लेते हैं, साथ साथ में हमारे लिए बातें भी होती आएंगी कि क्वेश्चंस के बहाने ही मैं अपनी साइड से जो जो भी अब बचा हुआ वो सब क्वेश्चन के बहाने उठा लूंगा। राइट है भाई, किसी ने क्वेश्चन में दे रखा लॉग, बेस में दे रखा 100, मॉड में दे रखा एक्स प्लस वाई, इक्वल टू में दे रखा है हाफ। राइट है भाई, लॉग वाई बेस में दे रखा 10, माइनस में दे रखा लॉग, ठीक है, यहां दे रखा मॉड एक्स बेस 10, इक्वल टू में दे रखा लॉग, ठीक है ना, 4 बेस 100, ठीक है भाई। ये तो अगला जो चाहेगा वो ऑब्वियसली बात है, ठीक है ना, फाइंड एक्स एंड वाई, ठीक है भाई, फाइंड एक्स एंड वाई। एंट्री करने से पहले, ठीक है, ये मान करके कि आपको मॉडुलस का हल्का फुल्का इंट्रो ध्यान है, मैं आपको फिर भी अपनी तरफ से वापस पूरी बात बोल देता हूं, ठीक है। अगर किसी भी फंक्शन का, बहुत ध्यान से सुन लेना क्योंकि ये चीज अगर एक बार निकल गई आगे से आंखों के तो शायद आप चीजों को जल्दी कवर कर पाएंगे। अगर फंक्शन के बाहर मॉडुलस लिखा है, फंक्शन मैंने कुछ भी अंदर लिखा हो आपको कोई दिमाग नहीं लगाना, जो भी अंदर लिखा है वो अपने आप दिमाग लगाएगा, ठीक है। अगर मॉड जो लगा है एफ एक्स के बाहर लगा है तो हमेशा सारी कहानी मॉड के अंदर बैठे हुए पे डिपेंड करती है। अगर अंदर बैठा हो फंक्शन ये कह दे कि मैं पॉजिटिव हूं तो मॉडुलस एज इट इज हट जाता है, और अगर कैसे भी ये पता चलता है कि अंदर बैठा हो फंक्शन नेगेटिव है तो ये माइनस लगा के हटता है, ठीक है। और इसका एक बहुत छोटा सा एग्जांपल मैंने अपनी फंक्शन की क्लास में भी बोला था, मैं दोबारा बोल देता हूं कि मॉड ऑफ माइनस टू का आंसर, याद है आपको, मॉड ऑफ माइनस टू डायरेक्ट अगर कोई जनता बोलती है तो मॉड ऑफ माइनस टू टू बोलती है, लेकिन अगर आप एक्चुअल में देखें तो सही आंसर होता है माइनस ऑफ माइनस टू। क्यों? क्योंकि जैसे ही मॉड को पता चला कि अंदर वाला नेगेटिव है तो एक और माइनस लगाएगा वो, और माइनस लगाने की वजह से ये टू गिन लिया जाता है। इसका मतलब ये कि सारी कहानी मॉड के अंदर बैठे हुए फंक्शन पे डिपेंड करती है कि अंदर बैठा हुआ फंक्शन कैसा है। अगर अंदर बैठा हुआ फंक्शन पॉजिटिव है तो ये एज इट इज बाहर निकालता है, अगर अंदर बैठा हुआ फंक्शन नेगेटिव है तो ये माइनस लगा के निकालता है। अब मुद्दे बात है, पूरी कहानी को रन करते हैं, राइट है। अब क्वेश्चन में एंटर करता हूं, जरा ध्यान से देखना भाई, सही है भाई, बोल नहीं रहे यार, आ जाओ फिर, सही है ना यहां तक। अच्छा अब जरा कहानी के अंदर फर्स्ट टाइटल को देखता हूं, लॉग को क्लिक, 100 इसके चरणों में, 100 की पावर हाफ बोले तो 10। तो अपने को पहली लाइन जो समझ में आती है वो ये समझ में आती है कि मॉड एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10, सही है कि नहीं भाई। अच्छा कितने लोगों को ये समझ में आया कि इसके बाद में अगर मैं आगे की लाइन लिखता हूं तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, क्या आपको कहानी पकड़ में आ गई, आपको आपकी पहली लाइन पूरी हो गई, ये आपका पहला स्टेटमेंट है। अब दूसरे स्टेटमेंट पर जाने से पहले आपको याद दिलाता हूं, लॉग ए माइनस लॉग बी इज इक्वल टू समथिंग समथिंग, जो भी है उसको बाद में देखेंगे। लॉग ए माइनस लॉग बी का मतलब लॉग, ये तो ध्यान होगा, लॉग ए बाई बी। तो अगर मैं लॉग ए बाई बी की बात करता हूं तो लॉग बेस 10 वाई अपॉन मॉड एक्स, क्या ख्याल है आपका, यहां रख दू, अगर मैंने यहां रखा तो सामने वाला इस लॉग बेस 10 को देख करके खुद का बेस भी 10 करवाना पसंद करेगा, उम्मीद है आपको ध्यान होगा। इसे मैं 10 का स्क्वायर बोल सकता हूं, अगर मैंने इसे 10 का स्क्वायर बोल दिया तो ये स्क्वायर बाहर की तरफ 1/2 बन के आएगा, याद है कि नहीं। अच्छा तब तक 4 भी अपने आप को 2 का स्क्वायर भेजेगा, और ये जो स्क्वायर होगा ये जम करके जब आगे आएगा तो 2/2 बना लेगा, बना लेगा कि नहीं बना लेगा। यहां से 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, दोनों तरफ के लॉग के बेस में क्या आ जाएगा 10, और अब मैं दोनों तरफ का लॉग रिमूव कर सकता हूं। अगर मैंने रिमूव कर डाला तो यहां से रह जाएगा वाई अपॉन मॉड एक्स इज इक्वल टू कितना 2, हेंस आई कैन से कि वाई इज इक्वल टू कितना हो गया 2 मॉड एक्स, हो गया कि नहीं हो गया। और वाई इज इक्वल टू में अगर 2 मॉड एक्स हो गया तो बट ऑब्वियस है मेरे लिए आगे जाने के 2 रास्ते बन गए, एक तरफ तो वाई बराबर 2x, याद है कब कब कब, जब x ये बोले कि मैं कैसा हूं पॉजिटिव हूं, राइट है कि नहीं भाई। अच्छा एक मिनट जरा ध्यान से सुनना, अगर मैं x को इक्वल टू 0 लेता हूं तो मेरे लिए y भी 0 हो जाएगा, और x और y दोनों के 0 होते ही log टन जाएगा, क्योंकि log 0 डिफाइंड नहीं होता। इसका मतलब मुझे यहां से इक्वल टू का साइन, कहानी की पहली बात जो आपको ध्यान देनी है, बात नंबर 2 पे ध्यान दीजिएगा। x अगर कल को नेगेटिव है मुझे थोड़ी ना पता x कैसा है, मैं तो 2 केस ले सकता हूं, 2 चांस ले रहा हूं मैं एक तरह से, एक्स अगर ऐसा है तो ऐसा होगा, वाई अगर ऐसा है तो ऐसा होगा, मैं तो अपनी तरफ से यही बोल सकता हूं। एक्स अगर पॉजिटिव है तो वाई इक्वल टू 2x होगा, एक्स अगर नेगेटिव है तो मॉड एक्स की जगह
माइनस एक्स लगेगा, तो वाई की वैल्यू माइनस टू एक्स हो जाएगी। ये बात आपको समझ में आ रही है? यहां तक कोई मुश्किल काम नहीं है। अब क्योंकि मेरी बातें दो रस्तों पे चल पड़ी हैं, राइट है, तो मैंने अपनी बातों को भी यहां से दो अलग अलग जगह पे ले जाना पसंद करा भाई, राइट है भाई। इसकी बात आगे के सुनना, कहानी के अंदर क्योंकि बात निकल पड़ी y इज इक्वल टू में कितना, 2 मॉड x की कहानी दो रस्तों पे निकल पड़ी है, इसलिए दो रस्ते यहां से ले रहा हूं भाई, राइट है भाई। एक तरफ ले रहा हूं जब मेरे पास में x पॉजिटिव है, एक तरफ ले रहा हूं जब मेरे पास में x कैसे है नेगेटिव है। उम्मीद है आप में से हर एक जने को यह बात भी ध्यान होगी कि जब x पॉजिटिव था तो मेरे लिए y की वैल्यू कितनी थी 2x, और नेगेटिव था तो y इक्वल टू माइनस 2x। तो आई एम सेइंग हेयर कि हेयर इट इज y इक्वल टू 2x, और अगर x नेगेटिव है तो y इक्वल टू कितना माइनस 2x। अब मेरे को y और x को लेकर के एक रिलेशन यहां पता है और एक रिलेशन मेरे पास ये पड़ा है, दिख रहा है आपको? yes, मेरे को इन दोनों रिलेशन को डील करना है, लेकिन ये खुद एक नहीं है, दो है। तो इस कारण से मेरे को यहां पर बाइफिकेशन कर लेना चाहिए दो अलग अलग स्टेटमेंट्स का। एक तरफ मुझे लिखना चाहिए x प्लस वाई बराबर कितना 10, और एक तरफ मुझे लिखना चाहिए x प्लस वाई बराबर कितना माइनस 10। सिमिलर वे में मुझे यहां पे लिखना चाहिए x प्लस वाई बराबर कितना 10, और यहां मुझे लिखना चाहिए x प्लस वाई बराबर कितना माइनस 10। अब मैं y की जगह 2x रखता हूं, रख दूं इधर वाले दोनों में y की जगह 2x ही रखूंगा। अगर मैंने y की जगह 2x रख दिया तो x प्लस 2x इज इक्वल टू 10, इसका मतलब x बराबर कितना 10/3, राइट है भाई। अच्छा, दूसरी तरफ से अगर मैंने y की जगह 2x रखा तो ये हो जाएगा x प्लस 2x बराबर कितना माइनस 10, और x की वैल्यू कितनी निकली माइनस 10/3। लेकिन यहां रुको और सोचो कि आपने ऊपर क्या वचन दिया है लोगों को कि x कैसा रहेगा, पॉजिटिव। x अगर पॉजिटिव रह जाएगा तो x की वैल्यू माइनस 10/3 आप ले पाओगे नहीं ले पाओगे, इसका मतलब ये वाली वैल्यू आएगी और आपको मना करनी पड़ जाएगी, है ना। और x की एक ही वैल्यू स्वीकार्य होगी, यहां से x की वैल्यू अगर 10/3 हो गया तो ऑब्वियस ही बात है y की वैल्यू 2x होगी, तो इसका मतलब y की वैल्यू कितनी होगी 20/3। क्या आपको कहानी पकड़ में आ रही है? x और y के नाम से एक पंगा पूरा हो गया। अब जरा दूसरी वाली साइड पे चलते हैं। अगर मेरे को y प्लस x प्लस y बराबर 10 दिख रहा है तो मैं y की जगह माइनस 2x रख दूं। अगर मैंने y की जगह माइनस 2x रख दिया तो x माइनस 2x बराबर कितना 10, इसका मतलब माइनस x बराबर 10, तो x बराबर कितना हो गया माइनस 10। पहले से ही बोल दो मैं इसको हां भरू या ना भरू, क्यों भरू हां, x नेगेटिव बोल के आया हूं, इसका मतलब मैं एक्सेप्ट कर सकता हूं। अच्छा, x की वैल्यू अगर माइनस 10 है तो y की वैल्यू कितनी है माइनस 20, सोच के बोलो माइनस 20 या प्लस का 20, प्लस लिख लो भाई प्लस का 20, बिल्कुल फोर्स आया तगड़ा। अब अगर भाई दो ये वाली बात मैं यहां रखता हूं तो ये x माइनस 2x बराबर कितना हो गया माइनस 10, इसका मतलब माइनस x बराबर माइनस 10, x बराबर कितना 10, हां या ना? ना क्यों? क्योंकि x नेगेटिव नहीं है। कहानी पकड़ में आ गई? तो फाइनली मेरे पास x और y के नाम पे कितनी वैल्यूज हाजिर हैं? दो। पहली वैल्यूज का नाम है कितना, पहली वैल्यूज है 10/3 कॉमा 20/3, और ठीक है, और माइनस 10/20। आया इसके दो सॉल्यूशंस, ठीक है, एज सिंपल एज दैट। फटाफट से कॉपी कर लें आप। बिल्कुल मेडिकल का बच्चा भी अपने बीच में। ट्वेंटी वन की जगह एक मिनट मिला लेता हूं मैं, है ना, अभी है ना, करते करते मिला लेंगे, ठीक है। बेसिक में क्या है, पहले क्या क्वेश्चन में क्लिक कैसे करूं, इंपॉर्टेंट नहीं है क्वेश्चन कैसे हो गया या आंसर क्या आएगा, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। ये बदल जाएगा, दूसरे रूप में आ जाएगा आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। मैं हर बार एक जैसा माहौल में कुछ भी बदल जाए तो मैं क्या क्लिक करूं, कैसे स्टार्ट करूं, तो स्टार्ट का तरीका क्या है वो सुना आप जरा। पिछले वाले क्वेश्चन में अगर आपने देखा तो कहीं ना कहीं दोनों के बेस में 10 था, हर तरफ कहीं ना कहीं 10 था। अगर बेस अगर सेम होता है तो कहानी कोई बुरी नहीं होती, लेकिन तकलीफ तब आती है जब बेस डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। और अगर भाई बेस अगर डिफरेंट होते हैं
तो क्वेश्चन के अंदर सबके मन में एक ही चीज आती है, यार बेस डिफरेंट क्यों है, काश मैं बेस को चेंज कर पाता। और बेस को चेंज करने के नाम पे एक ही थ्योरम दिमाग में आती है, बेस चेंज थ्योरम। हाँ या ना, सबको अपनी पसंद से अपना बेस दे देना, राइट है कि नहीं भाई। तो देखिए साहब, यहां एक बड़ा यूनिक वर्ड यूज कर रहा हूं मैं, आप में से कई लोगों ने इसका नाम कई बार सुना है, नाम है प्राइम फैक्टराइजेशन। क्लिक कर गया। अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन पे आ रहा हूं तो प्राइम फैक्टराइजेशन करते समय ए इज इक्वल टू मैं, राइट है भाई, उम्मीद है मैंने इसको लिख लिया। पहली बात करता हूं बेस चेंज, बेस चेंज थ्योरम माने अपने लिए लालस थ्योरम। लालस थ्योरम माने ये जो 12 है इसको निकालना और इसकी जगह अपनी पसंद का कोई बेस रखना, कैटरीना या सलमान वगैरह वगैरह, याद है आपको? हाँ या ना। तो अगर भाई मैं इसकी बात करता हूं तो यहां पे मैंने लिख दिया 18, याद है ना भाई, इसको एक लालस दिया, भैया 12 नीचे आ जाओ आपको एक लॉग देंगे, तो ये नीचे आ गया और नीचे आके क्या बन गया, लॉग 12। और मैं होल्ड पे हूं, कुछ नहीं बोल रहा हूं कि बेस में क्या रखूंगा, राइट है भाई। मैंने ए को ऐसा कैसा छोड़ दिया, अधूरी हालत में उधर दौड़ गया। उम्मीद है यहां पे भी मैंने वही लालच दिया और लॉग 54 लिखा और नीचे मैंने लिख डाला लॉग में कितना 21, राइट है भाई। अच्छा, अभी धीरे धीरे अपने को पता चला कि हमने 21 लिखना गलत है या 24 है, जो भी है ना, उसके ऊपर भी बात करते हैं अभी, है ना। एक राय आई है कि सर ये चेंज होना चाहिए, है ना, वो भी देखते हैं अपन। अच्छा, अगर भाई दो यहां पे देखा जाए तो कितने लोगों को याद है कि 18 को अगर मैं बेस में तोड़ता हूं, प्राइम फैक्टराइज करता हूं, तो 3 का स्क्वायर इंटू 2, राइट है भाई, 3 का स्क्वायर इंटू 2, तो मैं जानबूझ करके बेस में 2 रखवा रहा हूं। अब ऐसा क्यों करवा रहा हूं वो बताता हूं मैं आपको। आप में से कई लोग क्लिक कर जाएंगे, 3 का स्क्वायर इंटू 2 को मैं लिख सकता हूं लॉग ऑफ 2 बेस 2 प्लस में लिख सकता हूं लॉग 3 का स्क्वायर बेस 2। सोचो, नहीं आया समझ में, याद है, वापिस इस इन प्लस हटाऊंगा तो लॉग ए प्लस लॉग बी क्या बन जाएगा भाई, लॉग ए बी बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। और लॉग ए बी बनते ही इन दोनों की गुणा वापस से 2 इंटू 3 का स्क्वायर 18 दे जाएगी मुझे। लेकिन सर फिर 2 बेस में क्यों आया, कहानी तो ये 2 बेस में इसलिए है क्योंकि लॉग 2 बेस 2 आपको क्या दे रहा है, 1 दे रहा है, आपकी चीजें ईज कर रहा है, राइट भाई। अच्छा खैर, जो भी है, लॉग 2 लगा लिया, लेकिन सर लफड़ा हो गया, आपने अगर इसके बेस में 2 लगाया तो आपको इसके बेस में भी 2 लगाना पड़ेगा। अगर आपने 2 लगा दिया तो लग गया 2, 2 लगते ही ये भी अपना प्राइम फैक्टराइज करेगा। कितने लोगों को क्लिक कर गया, क्या होगा फैक्टराइजेशन, एक मिनट, लॉग ऑफ 2 बेस 2 तो लिख दूं और यहां कितना लिख दूं, लॉग ऑफ 2 का स्क्वायर और यहां कितना 3 बेस 2, क्या ख्याल है? अब आया क्लिक, बिल्कुल आप एकदम बराबर सोच रहे हैं, इसकी जगह पे कितना सोच लूं, 1। तो आप में से सभी लोगों को a = 1 प्लस में 2 log 3 base 2 दिख रहा है क्या, नीचे की तरफ आपको दिख रहा होगा 2 plus log of 3 base 2, क्या ख्याल है? अच्छा, अब जरा b की तरफ दौड़ते हैं, b क्या कहता है वो भी देखते हैं। b कहता है कि अगर बाय द वे इसकी तरफ देखा जाए तो कहानी में, क्योंकि उधर बेस में 2 लिया है, इधर बेस में 2 ट्राई कर सकते हैं, लेट सी क्या बनता है वो देखते हैं, राइट भाई। 54 को फैक्टराइज करते हैं, अगर मैं 54 को फैक्टराइज करता हूं तो कितना आ रहा है भाई, 3 का क्यूब इंटू 2। अच्छा, ये भी बड़ा खूबसूरत है, देखो 3 का क्यूब इंटू 2, अच्छा देखा जाए तो 3 का क्यूब प्लस 2 लिख दो भाई, 3 का क्यूब इंटू 2, क्या ख्याल है? और दोनों के बेस में क्या है, 2। अच्छा, नीचे आते हैं, नीचे वाले को फैक्टराइज करता हूं तो 3 इंटू 7, मजा नहीं आया, 3 इंटू 7, क्या मजा नहीं आ रहा पता आपको? कितने लोगों को दिख रहा है कि ऊपर एक आदमी बचेगा और एक आदमी मरेगा, कौन मरेगा, कितना बन जाएगा ये, एक, ये एक बन जाएगा। हम वैसे की वैसी उम्मीद यहां भी कर रहे हैं क्योंकि हर बार एक जना डाइल्यूट हो रहा था, लॉग में सारे नहीं बच रहे थे, क्या ख्याल है? और इसी कारण बेस में क्या कर दूं, 24। अगर मैंने 24 करा, एक मिनट आइडिया ले लेते हैं, अगर मैं 24 का आइडिया लेता हूं वो भी सही है, है ना। अगर मैंने 24 लिखा तो 24 का मतलब कितना होता है फैक्टराइज में, 2 का क्यूब इंटू 3। अरे देखो ना कितनी जल्दी जल्दी फैक्टराइज कर रहे हैं लोग, 2 का क्यूब इंटू 3, एक मिनट, लॉग बताएं साहब, 2 का क्यूब प्लस log 3 बेस में कितना, 2। कितने लोगों क्लिक करके ये जम करके आगे और ये बच गया, ये पीछे की तरफ कितना, 3, वेरी गुड। तो फाइनली आंसर हो गया 3 log 3 base 2 plus 1 upon में नीचे कितना, 3 plus log 2 base 3, हाँ 3 base 2 इक्वल टू कितना, बी। कितने लोगों को यह चीज भी क्लिक करती है कि दोनों कहानियों में एक पात्र कॉमन है, लॉग 3 base 2, यही दोनों को जुड़वाएगा, हाँ या ना। तो मैं कैसे भी करके लॉग 3 base 2 की वैल्यू दोनों से निकालता हूं, मैं किसकी वैल्यू निकाल रहा हूं, आपने डायलॉग पर ध्यान दीजिए, मैं किसकी वैल्यू निकाल रहा हूं, लॉग 3 base 2 की वैल्यू निकालूंगा मैं दोनों तरफ, और दोनों लॉग 3 base 2 की वैल्यू को आमने सामने बैठाऊंगा, क्या रणनीति समझ में आ गई आपको? अब मैं इसकी वैल्यू निकालने के लिए वही जो मैं कर सकता हूं,
आपके लिए वापस सोच रहा हूं, क्या ख्याल है? इसको कई बच्चे 3b बोल देंगे, अच्छा कई बच्चे इसे b इंटू में log ऑफ 3/2 बोलेंगे, राइट है, बराबर में 3 log 3/2 प्लस 1 बोलेंगे, अच्छा कितने लोगों को इन दोनों में कॉमन दिख गया? बोलो क्या? log 3/2 कॉमन लेते क्या बच गया? बोलो, इधर से कॉमन ले लो b इंटू में, सुना भाई मैं कॉमन ले रहा हूं, log ऑफ 3/2 कॉमन ले लिया, इधर बच्चा b माइनस 3 इजिकल टू में इधर हो गया 1 माइनस 3b, तो कहने का मतलब आपको सबको वैल्यू दिखने लग गई log ऑफ 3/2 की, कितनी? 1 माइनस 3b अपॉन b माइनस 3, क्या ख्याल है? इसमें तब तक कोई एरर होगी तो वो भी पता चल जाएगी अभी, है ना भाई? क्या बेटा? थ्री ले लेते, हाँ देखो सुनो सुनो मेरी बात, अगर भाई दो थ्री लेता तो मैं कहानी बताता हूँ क्या होती, एक log 7/2 होता और एक log 3/2 होता, तो हमारे लिए तकलीफ रह जाती, वो बचता ही बचता, ठीक है, आइडिया बुरा नहीं था, हो सकता है प्रिंटिंग मिस्टेक रही हो, ठीक है, अभी फिलहाल इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो गया 2a प्लस में कितना हो गया a इंटू में log 3/2, बराबर है ना भाई? अच्छा इजिकल टू में कितना 1 प्लस में 2 log ऑफ 3/2, बराबर, अच्छा दोनों तरफ से log ऑफ 3/2 कॉमन ले लेते हैं, a माइनस 2 बराबर में 1 माइनस 2a, फाइनली log ऑफ 3/2 की वैल्यू कितनी निकल गई? 1 माइनस 2a अपॉन a माइनस 2, श्योर? ये भी log ऑफ 3/2 और ये भी अपने आप में log ऑफ 3/2, जैसी पहले से रणनीति रहती कि मैं दोनों की वैल्यू निकाल के आमने सामने बैठा दूंगा, तो दोनों को आमने सामने बैठाने पर ये कितना बन रहा है 1 माइनस 3b अपॉन कितना b माइनस 3, एंड दिस इज इक्वलेंट टू व्हाट? 1 माइनस 2a अपॉन में कितना a माइनस 2, क्या कहते हो? करें क्रॉस मल्टीप्लाई, जल्दी से बता दो क्या क्या बन रहा है, a माइनस 3ab माइनस 2 प्लस 6b इक्वल टू में कितना b माइनस 3 माइनस 2ab, ठीक है, प्लस का 6a, श्योर? कुछ कटापिटी नहीं हो रही है ना भाई? ये अगर देखा जाए ये अपने पास में 2ab और ये माइनस का 3ab, फाइनली इट इज माइनस का ab, सबको इधर ले आता हूं ab, राइट है भाई? अच्छा यहां से अगर देखा जाए b इसमें से कम होगा, ठीक है, तो 5b रह गया, 5b को इधर ले आऊं माइनस का 5b, अच्छा a को अगर इधर ले आए तो प्लस का 5a, राइट है भाई? ये माइनस के 3 को उधर ले जाऊं तो, माइनस के 3 को उधर ले जाऊं तो 1, तो इधर की तरफ रह गया 1, तो अगर देखा जाए तो ए बी कॉमन, और जैसा बच्चे ने बताया था बिल्कुल वाजिब था, ए माइनस बी इज इक्वल टू 1, सो आंसर इज 1, राइट है भाई? सो आंसर इज इक्वल टू 1, नो डाउट। हेलो भाई, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करते हैं, हाँ बिल्कुल, मैं तब तक आप में से कुछ बच्चों के लिए जो है एक छोटा सा क्वेश्चन कॉपी कर देता हूं, ठीक है, लॉन्ग से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन क्योंकि हमारी शीट में मिलेंगे, हमारे पेपर्स में भी आते रहते हैं, ठीक है, तो आप में से कोई भी इसको देख करके भी अच्छा फील करेगा। क्वेश्चन है, अंडर रूट में दे रखा 2x माइनस 1 प्लस में दे रखा अंडर रूट में 3x माइनस 2 इज इक्वल टू में अंडर रूट में दे रखा है 4x माइनस 3 प्लस में अंडर रूट में दे रखा है 5x माइनस 4, ठीक है, फाइंड एक्स, एक्स ही ना सॉल्व लिखा वैसे, मैंने एक्स ही निकालना होगा, क्वेश्चन जब मैं लिख रहा था तो मैं एक चीज पर नोटिस कर रहा था, है ना, जब तक आपको लिखेंगे तब तक अपन है ना रोचक तथ्य जान लेते हैं, इसके भी सबके बीच का अंतर एक एक है, सबके बीच का डिफरेंस 1-1 है, दिख रहा है, 2-1, 3-2, 4-3, 5-4, यही नहीं, एक और चीज भी अभी बताता हूं क्या है, बस सिर्फ हिंट देता हूं
शायद वहां से आपका काम निकल जाए। बहुत आराम से कॉपी करो, ऐसा कुछ जल्दी नहीं। मेरे को तो खुद भी याद नहीं क्वेश्चन का क्या है, बस ये जानबूझ करके इसलिए करवा रहा हूं ताकि आपको इस तरह क्वेश्चन का एक रफ आइडिया हो जाए, है ना। हर क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक अपना खुद का विधान है, इसको सॉल्व करने का क्या तरीका वो बता देता हूं। आप में से किसी को अगर दिख रहा हो तो ये 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 हर किसी का अपना अपना नाम मान लेते हैं। ये यू है, इसे वी मान लेता हूं, इसे पी मान लेता हूं, इसे क्यू मान लेता हूं। यू प्लस वी इज इक्वल टू पी प्लस क्यू दिया है, राइट है। अच्छा, अब इंटरेस्टिंग बात पर नोटिस करवाता हूं, ठीक है। अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूं, यू का स्क्वायर करता हूं और उसमें से अगर वी का स्क्वायर घटाता हूं, तो आप में से कितने लोग मेंटल कैलकुलेशन करके बता देंगे क्या बचा। इसका स्क्वायर करो मन से, आपको गिना देता हूं मैं क्या क्या बचा। फोर एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस वन, अरे इसका स्क्वायर 2x माइनस वन, श्योर, वेरी गुड, है ना। 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस वन तो नहीं बचा, हाँ है ना। अच्छा, अब जरा कितना बचा, 2x माइनस वन, और यहां से क्या बचा, 3x माइनस टू, घटाना जरा इसमें से कितना बचा, 1 माइनस एक्स, बेहतरीन काम, राइट है भाई। अच्छा, अब जरा मैं दूसरा काम कहता हूं आपको, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर करो। अब जरा उसी प्रकार इसके स्क्वायर में से इसके स्क्वायर को घटाओ, कितना, 1 माइनस एक्स, श्योर है आप। तो आप में से कई लोगों को यहां से यह भी समझ में आ जाएगा कि यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इक्वल टू में कितना, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर है। इसका मतलब 100% बात है, आप ये भी तो मान ही गए कि यू प्लस वी बराबर पी प्लस क्यू है ही। तो इसका मतलब ये कि एक मिनट जरा लिख देता हूं, यू माइनस वी मल्टीप्लाइड बाई यू प्लस वी इक्वल टू में कितना, पी माइनस क्यू मल्टीप्लाइड बाई पी प्लस क्यू, कह सकता हूं कि नहीं कह सकता हूं, जिसमें ये दोनों तो बराबर है, कट गए। तो इसका मतलब यू माइनस वी बराबर पी माइनस क्यू, लिख लेते हैं ये बात भी, यू माइनस वी बराबर कितना, पी माइनस क्यू। क्या करें अभी, इनका और इसका कुछ किया जा सकता है क्या, ऐड कर दूं, ऐड करते क्या होगा बोलो, इन दोनों को ऐड करते क्या हो जाएगा, टू यू बराबर कितना, टू पी, हाँ या ना। इसका मतलब यू बराबर कितना आ गया, पी, और अगर यू बराबर पी आ गया तो ये यू है हमारा और ये क्या है, पी। अगर यू बराबर पी हो गया तो ये सबको समझ में आ गया कि अंडर रूट में कितना, टू एक्स माइनस वन बराबर कितना, अंडर रूट में फोर एक्स माइनस थ्री। और अगर दो पॉजिटिव नंबर बराबर तो उनका स्क्वायर भी बराबर रहा होगा, अगर दोनों का स्क्वायर बराबर रहा होगा तो टू एक्स माइनस वन बराबर कितना, चार एक्स माइनस तीन, है कि नहीं भाई। इसका अंदर टू एक्स बराबर कितना, टू, इसका अंदर एक्स बराबर कितना आया, है ना। और ये सिर्फ इसलिए नोटिस आ रहा था क्योंकि सबके बीच का गैप एक था, ठीक है। तो सबको लग रहा था कि इसका माइनस ये माइनस करके जरूर कुछ मिल सकता है। अगर आप देखेंगे तो इसका ये अगर ओपन में होता तो ये माइनस ये करके उतना ही मिलता जितना ये माइनस ये करके मिलता, सबका गैप एक एक है, ठीक है। खैर, हाँ, अरे अगर भाई तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता तो और ज्यादा गंदी मौत मरता, लोग रख रख के देख लेते। हाँ नहीं नहीं नहीं, मैंने क्रम से माने ये सारा नंबर, u प्लस वी इज इक्वल पी प्लस क्यू, मैंने पहले से ही क्रम से माने, ऐसे तो बाद में थोड़ी ना पलटेंगे अपन। हाँ जी सर, अगला टाइटल ले रहे हैं, मतलब ठीक है, करेक्टरिस्टिक्स एंड मेंटिसा, ठीक है। वैसे तो हमने लोगों ने करेक्टरिस्टिक्स और मेंटिसा पढ़ा होगा, कॉपी कर लेना, ठीक है मैं समझ गया। लेकिन 12th क्लास में आते ही है ना, क्या करेक्टरिस्टिक्स और मेंटिसा जो है ना, उनका तरीका बदल जाता है, डेफिनेशन वही रहती है, ठीक है, लेकिन तरीका बदल जाता है। निकालें कैसे, जैसे वैल्यूज को आपने से किसी को याद हो तो करेक्टरिस्टिक्स निकालने के लिए या मेंटिसा निकालने के लिए अपने कुछ माइनस वन प्लस समथिंग और प्लस वन प्लस समथिंग ऐसा कुछ करा करते थे, अपने को याद है हल्का हल्का 11th में, नहीं याद है तो और ज्यादा बेहतर है, वो बच्चा यहां सीखेगा और बढ़िया सीखेगा, ठीक है। लेकिन इसको सीखने से पहले है ना, कुछ छोटी सी वैल्यू जो एक तो आपने सीख रखी, कुछ तो पीएनसी में सीखी, कभी कभी इधर उधर अपनी बात भी हुई, ठीक है। और एक और वैल्यू मेरे को आपको अभी सिखानी पड़ेगी, लेकिन ये सिर्फ बेस है, इसे ग्राइंड में ना ले, ठीक है। पहले से बता देता हूं क्या क्या, बहुत ध्यान से सुनना। आप में से कई लोगों को यह भी याद होगा कि मेंटिसा हमेशा 0 से 1 के बीच होता है, है ना भाई। अच्छा, अब जरा इधर की तरफ देखें, अब जरा थोड़ी सी देर के लिए मैं इसको कहीं और लेके जा रहा हूं, ठीक है। आपके लिए दो फंक्शन होते हैं, एक का नाम होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन,
बेटा भाई ये आप अपने आप में वाई बराबर में मॉड एक्स से दिखा रखते हैं, समझ में आया? अच्छा एक होता है ना फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, ठीक है ना, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, इसे आप वाई बराबर में इस तरह कर्ली ब्रैकेट एक्स से दिखाते हैं। मेरा काम इस फंक्शन को बढ़ाना नहीं है, मैं सिर्फ आपको एग्जांपल देकर के मेरा काम निकलवा लूं और आगे चला जाऊंगा। राइट भाई, मैं आपको पहले से ही ये बता देता हूं, वापस से एक बार जरा पढ़ दें क्या लिखा था ये। अरे वाई बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स या बॉक्स एक्स, राइट भाई, और ये क्या लिखा वाई इक्वल टू में, पढ़ोगे नहीं तो कैसे पता चलेगा क्या लिखा है। कर्ली ब्रैकेट एक्स तो लिखा ही है, लेकिन बोलते क्या है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। एक बार बोले फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, ये क्या है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। एक बार बोलो सही तबीयत से, समझ में तो है ग्रेटेस्ट इंटीजर और ये फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। पहले नाम तो बोलना सीखे ना, अपन बोलना नहीं सीखे है ना, तो अपने को समझ में कैसे आएगा, सही है ना। अब जरा इसको समझना, इसका रूल क्या है। इसका रूल ये है कि ये अगर बाय द वे फॉर नॉन इंटीजर, ठीक है ना, नॉन इंटीजर के लिए ये हमेशा अपने लेफ्ट की वैल्यू लेता है, लेफ्ट के इंटीजर की वैल्यू को इक्वेट करता है। कहने का मतलब क्या, मैं इसको लिखता हूं टेक्स है ना लेफ्ट साइड्स इंटीजर्स वैल्यू, इंटीजर्स वैल्यू याद रह जाएगा किसके लिए, नॉन इंटीजर के लिए, और इंटीजर के लिए वहीं की वैल्यू ले लेता है ना। अब जरा इस चीज को, ये तो हुआ पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट सुने, दूसरा पॉइंट मैंने क्या बोला कि अगर मान लीजिए मैं बिल्कुल इंट्रो लगा करके बाहर आ जाऊंगा, मेरा पर्पज ये समझाना नहीं है, मेरा पर्पज मेरा काम निकालना है। मैं आपको बताता हूं, जैसे मान लीजिए 2.13 है, तो 2.13 अपने आप में नंबर लाइन पे कहां पाया जाता है, दो और तीन के बीच में, और यहां कहीं 2.13 होता है। अगर आपने इसे डब्बा पहना दिया तो बॉक्स पहनते ये दौड़ेगा अपने लेफ्ट साइड के इंटीजर की ओर, और लेफ्ट साइड का इंटीजर कौन है, टू, तो ये अपना वैल्यू दे देगा टू। तो याद रखिएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर 2.13 इक्वल टू कितना हो गया, टू। अच्छा यही अगर कल को ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर माइनस का 2.13 होता तो आपको पता होना चाहिए नंबर लाइन पे कहां पाया जाता, माइनस टू और माइनस थ्री के बीच में, याद है यहां पे कहीं पे होता माइनस का 2.13। क्या ख्याल है, सोचो, याद है नंबर लाइन में नेगेटिव में उल्टी चलती है गाड़ी, अब की बार लेफ्ट में किसको पकड़ता, माइनस थ्री को, तो आंसर देता माइनस थ्री। अब आप में से कितने लोग मेरे लिए जल्दी जल्दी अपनी बात बता सकते हैं, मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर पहले पूछता हूं 16, 16 का 16 बताइए, माइनस 16, माइनस 16 का माइनस 16, दोबारा सुनना, इंटीजर पे वही आंसर देगा, 16 पे 16, माइनस 16 पे माइनस 16, छोड़ो नया ढूंढ लेता हूं, 20 और माइनस 20, माइनस 20, श्योर है आप? अच्छा बताइए साहब ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर 20.1, 20 याद है ना, अच्छा माइनस 20.1, माइनस 21, श्योर है आप? अच्छा एक बार के लिए एक आधी और, फिर भी 4. माइनस का 4.28, माइनस 5। अब आप गलती तो नहीं करेंगे है ना भाई। अच्छा ये तो हुआ ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू कैसे निकालते हैं, राइट है, आई जस्ट गिवन द एग्जांपल है ना, मेरे को ये सब लिखवाने में इंटरेस्ट नहीं था, मेरा सिर्फ इतना कि मेरा काम निकल जाए और मैं कैरेक्टरिस्टिक मेंटीजर का 12th का तरीका सिखा सकूं आपको, और आगे जिंदगी में आप इसी से निकाला करें, राइट है। कैरेक्टरिस्टिक मेंटीजर क्यों निकालना है, क्योंकि इसका लेना देना अब हमारे कोर्स में नहीं बचा, कैरेक्टरिस्टिक मेंटीजर आउट हो चुका है, लेकिन ये हमारे कोर्स में किसी फार्मूले में यूज होने वाला है, इसके लिए भी मेरे को ये निकलवाना सिखाना है, राइट है। अब जरा इसकी कहानी को फिर पकड़ना, रेडी तैयार है? अच्छा मान लीजिए ये तो वह ग्रेटेस्ट इंटीजर को सिखाया, सर यही अगर कल को कर्ली ब्रैकेट में 2.13 होता तो आंसर क्या होता, तो आंसर होता पॉइंट के बाद वाला। आप में से किसी को अगर बाइनोमियल थ्योरम की कोई बात याद है तो बाइनोमियल थ्योरम में एक क्वेश्चन इसका भी होता है, जब आप फ्रैक्शनल पार्ट वैल्यू निकालते हैं, जिसमें अपन ने 4.84 का 0.84 आंसर निकाला था। फिलहाल अगर मान लीजिए नहीं निकाला तो मैं इसकी बात करता हूं, है ना, 0.13 अगर दे रखा है तो याद रखिए फ्रैक्शन पार्ट, आप मतलब भी समझते हैं अंदर से, याद होगा तो फ्रैक्शन पार्ट का मतलब होता है टूटा हुआ हिस्सा, ये वो है जो इंटीजर पार्ट है, ये कौन है इंटीजर पार्ट, और ये वो है जो फ्रैक्शन पार्ट है, तो इंटीजर पार्ट कितना हुआ 2 और फ्रैक्शन पार्ट कितना हुआ 0.13, तो आंसर हो गया 0.13। एक बात पक्की, अच्छा बताइए इसका फ्रैक्शन पार्ट कितना होगा 0.28, अगर प्लस में है तो 0.28 और अगर यही माइनस में होता तो बोलते हैं 1 माइनस 0.28, क्या बोला मैंने 1 माइनस 0.28, ठीक है, क्या क्यों ये सब आपका जब फ्रैक्शन पार्ट चलेगा फंक्शन में तब वो बता देंगे,
फिर यार मेरा काम, मैंने कहा मैं तो सिर्फ वैल्यू निकालना सिखा रहा हूं भाई, ताकि मेरे काम बन जाए, है ना। ये चीज फंक्शन में इस समय तक बता दी जाती है, लगभग नहीं बताई जाती, तो लॉग में हल्का फुल्का इंट्रो देकर काम निकाल लिया जाता है। अब सुनना, कितने लोगों को अब यहां से पता चल गया कि माइनस का 4 पॉइंट बहुत हो गया, माइनस का 16.08 इज इक्वल टू कितना होगा, 1 माइनस 0.08 भावार्थ बोलो तो सही, 0.92 कहानी पकड़ में आ गई। बस मेरा यहां तक का काम है, आप यहां तक कॉपी कर लें, आगे की चर्चा मैं कर लेता हूं। अब करेक्टरिस्टिक्स मेंटिसा में मैं उतर जाऊंगा, इंट्रो लगा दिया मैंने। हां भाई, कितने लोग ये भी समझ गए, ये लिखता हूं मैं तो लिखवाऊंगा कुछ भी नहीं, कि फ्रैक्शन पार्ट माने पॉइंट के बाद वाला हिस्सा, और नेगेटिव में 1 माइनस घटा करके पॉइंट के बाद वाला हिस्सा। अच्छा, अगर सर फ्रैक्शन पार्ट में 16 होता तो जीरो, पॉइंट के बाद कुछ है ही नहीं, तो हम क्या अपने घर से थोड़ी लगाएंगे, ठीक है तो जीरो। और सर माइनस 16 होता तो भी जीरो, हाँ इंटीजर में जीरो, इंटीजर जीरो खत्म, कोई 1 माइनस 0 नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ नॉन इंटीजर में फंडा काम करता है 1 माइनस घटा के, ठीक है ठीक है। बाकी बताने के अपने अपने तरीके हैं, हर टीचर अपने अपने तरीके से वैल्यू निकालना सिखाता है, ठीक है। कोई फार्मूला बताता है x इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस फ्रैक्शन पार्ट x, वहां से वैल्यू निकालता है, ठीक है। माइनस 16.08 ठीक है भाई, करो बात, है ना। अच्छा, मैं अभी भी थोड़ा सा सजग रहना चाह रहा हूं, क्वेश्चन में एंट्री करने से पहले मैं एक बार एक थर्ड पॉइंट और रखना चाह रहा हूं, ठीक है, बात करूं इस पे। नियम कहता है कि दुनिया का हर नंबर, क्या बोला मैंने, दुनिया का हर नंबर जो होता है खुद के ग्रेटेस्ट इंटीजर और खुद के फ्रैक्शन पार्ट का सम होता है। इसका क्या मतलब है सर, इसका मतलब यह है कि 2.1 अगर किसी ने लिख दिया तो इट इज इक्वलेंट टू 2.1 का बॉक्स पर प्लस करली ब्रैकेट में 2.1। कितने लोग बता सकते हैं इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू हो गई 2, हाँ या ना, प्लस इसकी वैल्यू बोलो, तो 2 प्लस 0.1 2.1 हुआ या नहीं हुआ। सर ये तो हो गया, लेकिन सर अगर कल को नेगेटिव हो तो दिखाओ। मान लीजिए किसी ने कहा 4.2, कितना दिया माइनस का 4.2, तो डब्बे में डाल दू माइनस का 4.2 डब्बा प्लस करली ब्रैकेट में माइनस का 4.2। हाँ भाई, अब आपके लिए जरूर दुर्लभ बात आई, इसकी वैल्यू बोलो -5, बहुत खूबसूरत, इसकी वैल्यू बोलो 1 माइनस 0.2, श्योर है आप, या फिर आवाज आ रही थी 0.1, है ना, लेकिन जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब आप में से कितने लोग सोच गए ये कितना बना, माइनस फोर माइनस पॉइंट टू माइनस का 4.2, बना के नहीं बन गया, इसका मतलब अपन बिल्कुल बराबर है, एक बात। और अगर ये वाली बात सही है तो इसका मतलब ये वाला फार्मूला भी सही है, राइट है। और अगर ये वाला फार्मूला सही है तो अब आता हूं करेक्टरिस्टिक और मेंटिसा पे, यही रुक करके, ये तो कॉपी हो जाएगा, मेरे साथ कॉपी कर लेना, रुक करके लगे जाता हूं, पहले बात कर लूं, क्योंकि बहुत देर से मैं उस जो टाइटल है उस पर नहीं आ पा रहा, टाइटल पे अब आ जाता हूं। पहली बात, करेक्टरिस्टिक और मेंटिसा आप मुंह फाड़ के सबका नहीं निकालते, सिर्फ लॉग का निकालते हैं, सिर्फ लॉग एक्स का ही करेक्टरिस्टिक मेंटिसा होता है, राइट है। और करेक्टरिस्टिक और मेंटिसा निकालने के लिए आपको क्या करना है, लॉग एक्स को उठाइए, और क्योंकि दुनिया का हर एक्स इसको फॉलो करता है तो लॉग एक्स भी फॉलो करेगा, याद है ना। तो लॉग एक्स के लिए अगर मैं करता हूं तो लॉग एक्स का वैल्यू किसके बराबर होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ लॉग एक्स प्लस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ लॉग एक्स, इसके बराबर होगा। याद रखिएगा, ये जो भी आंसर देगा वो करेक्टरिस्टिक होगा, और ये जो भी आंसर देगा वो मेंटिसा होगा, दैट्स इट। कोई प्लस वन और कोई माइनस वन करने की दरकार नहीं है, क्वेश्चन आने दीजिए, खट से नेम करेक्टरिस्टिक मेंटिसा आप देख के बता सकते हो। कहानी पकड़ में आ गई, इसको बताने के लिए अगर ये 13 का बच्चा हो तो मेरी पहली लाइन ये होती कि ये ऐसा होता है, क्योंकि आप लोगों ने ये सब नहीं पढ़ा था, मुझे इंट्रो मारने में इतनी देर लग गई, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए किसी को अगर ये वाली कहानी पकड़ में आ रही है तो जो मैं समझा रहा हूं वो कहानी को भी समझेंगे, ठीक है। मान लीजिए किसी ने कहा कि क्वेश्चन वाला कहता है कि लेट
log ऑफ x बेस 10 इजिकल टू में माइनस का 2.39, ठीक है ना. फाइंड करेक्टरिस्टिक एंड मेंटिसा. मान लीजिए किसी ने कह दिया, तो आप में से सभी को पता होना चाहिए करेक्टरिस्टिक और मेंटिसा निकालने के लिए. याद है मैं इसका क्या करूंगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस 2.39 लिखूंगा और प्लस में फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस 2.39 लिखूंगा. और आप में से कई लोग मुझे बता देंगे कि करेक्टरिस्टिक कितना हो गया, माइनस 3, बेहतरीन. पर मेंटिसा कितना हो गया, मेंटिसा हो गया 1 माइनस 0.39, मतलब 0.61. क्या करेक्टरिस्टिक मेंटिसा निकालना पहले इतना आसान था? अब क्लिक है, वन लाइन आंसर खत्म है. सही है भाई, ठीक है. चलिए यहां तक मैं जो जो भी काम कर रहा हूं वो कॉपी कर लें, ठीक है. नॉट नेसेसरी कि सब कुछ कॉपी हो, ठीक है. जितना आपको लगे काम का उतना कॉपी कर लें, क्योंकि वैल्यूज निकालना तो आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर और फ्रैक्शन पार्ट की सभी सिखाएंगे. बस अभी एक मिनट में पहुंच जाता हूं मैं आप में, ताकि मैं तो कोई जल्दबाजी नहीं, आप आराम से उतर को कॉपी करें बिल्कुल पेशेंस के साथ में, ठीक है. मैं इसलिए पहले लिख देता हूं ताकि आप में से कई बच्चे जो पहले से वो सब जानते हैं, ठीक है, वो खाली नहीं बैठेंगे, उनके दिमाग के लिए कुछ ना कुछ पहले से पढ़ाए. नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ एन, एन कहां पर यूज हो रहा है, यहां, ठीक है. इफ करेक्टरिस्टिक ऑफ दिस लॉग एन बेस 3 is 3. अच्छा, जब तक ये सब बातें चलती रहेंगी मैं एक छोटी सी बात पूछना चाहता हूं कि 2.13 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 है. अगर ये 2.5 होता तो, और 2.9 होता तो, और 2.99 तक होता तो 2 होता, राइट है ना. क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर लगते ही ये किधर भागता, लेफ्ट के इंटीजर पे. और 3 होते ही, 3 होते ही 3, 3 होते ही 2 नहीं जाएगा, इंटीजर अपने घर पे रुक जाता है. और उससे पहले तक के सारे इंटीजर उसके लेफ्ट के इंटीजर के टच में रहते हैं. कहानी समझ में आई कि नहीं. इसका मतलब ये कि अगर मुझे पता चल गया कि किसी डब्बे का आंसर, किसी डब्बे एक्स का आंसर अगर कल को 2 आ रहा है, तो 100% बात है कि आप ये समझ जाइए कि x की वैल्यू 3 से जरा सी सही पर कम है, परंतु 2 तक कुछ भी हो सकती है. नहीं आया समझ में? क्या ये बात समझ में आई? दोबारा बोलता हूं, दोबारा सुनना, मैं आपको दोबारा एग्जांपल देता हूं मैंने क्या बोला. आप में से हर एक जना ये समझ ले, कल को यहां 3 है और यहां 4 है और आपको बदलता है कि 3.36 का ग्रेटेस्ट इंटीजर पूछा जा रहा है, तो 3.36 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 होगा. तो 3.36 पे किसी ने डब्बा पहनाया तो वो दौड़ा किस और, 3 क्यों? अच्छा, अगर कल को 3 होता तो 3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 3, सही है. अच्छा बताओ, 3.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 3.7 का 3.99 का 3. इसका मतलब ये कि 3 से पहले सबका ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 देगा, और 4 होते ही 4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 4 देने लग जाता है. इसका मतलब यह कि कल को किसी भी ग्रेटेस्ट इंटीजर x का आंसर अगर कल को 3 आ रहा है, तो 100% बात है कि x की वैल्यू 4 से जरा सी सही पर कम है. 4 नहीं है, 4 होते तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 4 दे देता, और 4 से कम कहां तक है? 3 तक. कुछ भी हो सकती है, कुछ भी, क्योंकि अगला अगर अपने पत्ते सिर्फ 3 पे खोल रहा है तो यहां से यहां तक तो इनफाइनाइट नंबर है भाई, मैं किसका नाम लूं. लेकिन मैं ये तो कह सकता हूं कि 3 से 4 के बीच का कोई नंबर रहा होगा.
आई कि नहीं आई बात? तो अगर बाय द वे आपको ये वाली बात समझ में आ गई, तो कई बच्चों को यहां से इसकी पोल पट्टी समझ में आ गई होगी कि अगर आपको पता चला होगा कि log of n base 3 का करेक्टरिस्टिक की वर्ड का यूज हो गया, तो किसी ने 100% log of n base 3 का क्या निकाला? ग्रेटेस्ट इंटीजर निकाला होगा. और ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू कितनी आई होगी? 3. और अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 3 आई होगी, तो 100% बात है कि log of n base 3 जो रहा होगा ना, वो अपने आप में 4 से कम और 3 से बराबर में रहा होगा. नहीं आया समझ में? 3 और 4 के बीच में रहा होगा. रहा होगा कि नहीं रहा होगा? और हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? n की. अच्छा, n की वैल्यू निकालने के लिए log को भगाऊं? log के भागते 3 किधर जाएगा? इधर या उधर? दोनों और. राइट है कि नहीं भाई? दोनों और जाएगा. अगर 3 उधर गया तो 3 इसके चरणों में जाएगा, 3 की पावर 3 बनाएगा, इधर रह जाएगा n, और यहां पे 3 की पावर क्या बनाएगा? 4. नहीं यार, दोनों के चरणों में जाएगा. याद आया कि नहीं आया? और अगर दोनों के चरणों में जाएगा तो n यहां पे बन गया कितना? 81. और यहां कितना बन गया? 27. तो बताना जरा, इंटीजर जो 27 से 81 के बीच में कितने होंगे? यही तो इंपॉर्टेंट है. अब जरा ध्यान से देखना क्या बोल रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना. मैं जो एग्जांपल दे रहा हूं ध्यान से, क्योंकि ये बच्चा बच्चा समझ सकता है. किसी को भी पता हो 4 और 9 के बीच कितने इंटीजर आते हैं, गिन लेते हैं. 4 से 9 तक कितने इंटीजर आए, गिनते हैं एक बार. 4 5 6 7 8 9 कितने आए? 6. जबकि 9 माइनस 4 कितना होता है? 5. इसका मतलब ये कि उसमें एक और जोड़ना चाहिए, तब दोनों साइड के बाउंड्री वैल्यूज आ जाएंगी. बाउंड्री वैल्यू का मतलब 4 से 9 की बाउंड्री वैल्यू का मतलब क्या क्या हो गया? 4 और 9 इंक्लूड. अगर मेरे को दोनों बाउंड्री वैल्यू चाहिए, तो मुझे आपस में उन दोनों को नंबर को घटा के क्या कर देना चाहिए? प्लस 1 कर देना चाहिए. क्या मुझे यहां दोनों की बाउंड्री वैल्यू चाहिए या एक बाउंड्री वैल्यू नहीं चाहिए? एक बाउंड्री वैल्यू. कौन सी नहीं चाहिए? 27 या 81? ये मुझे नहीं चाहिए. इसका मुझे मतलब प्लस 1 करना है या नहीं करना? क्योंकि प्लस 1 होता है दोनों बाउंड्री वैल्यूज के लिए. तो मतलब ये कि नंबर ऑफ इंटीग्रल्स, ये भी देखो एक कहानी बन गई. अब नंबर ऑफ इंटीग्रल्स कितने आए? 81 माइनस 27, इसका मतलब 54. अदरवाइज लोग 55 गिनते हैं. क्यों? क्योंकि बाउंड्री वैल्यू उनके दिमाग में सेट होती है एक जोड़ना. और कई बच्चे गिनते ही नहीं है, क्योंकि वो सोचते हैं कौन गिनेगा इतना. राइट है? 81 से लेकर 27 कल कोई हजारों में हो जाए तो कितने लोगों को यह बात? छोटी मैथ्स की छोटी बात है. आज अपन जितनी बातें कर रहे हैं मैथ्स की, तो कर रहे हैं वो अंडर रूट वाला क्वेश्चन. प्योरली मैथ्स था, उसमें कोई लॉग नहीं था. वापस ग्रेटेस्ट इंटीजर. अब आपको हल्का हल्का, बस मैं हल्का इंट्रो ही दे रहा हूं, लेट इट बी क्लियर, है ना? अच्छा, ठीक है. इसमें दोनों बाउंड्री वैल्यू इंक्लूड हैं. एक बाउंड्री वैल्यू हटानी थी तो अपन ने 1 नहीं जोड़ा. हाँ, कितने? नहीं, 4 से 9 तक कितने इंटीजर हैं? 4 से 9 तक कितने इंटीजर हैं? 6 इंटीजर हैं. 4 5 6 7 8 9, राइट है? जिसमें दो बाउंड्री वैल्यूज हैं, 4 और 9. लेकिन अगर घटाते हैं तो 5 ही दिखते हैं, है ना? ये ठीक वैसे ही जैसे संडे से संडे के बीच में कितने दिन होते हैं? 8. संडे से संडे तक, सॉरी, हाँ अभी शब्दों को पकड़ लिया जाएगा. संडे से संडे के बीच तो 6 होते हैं, संडे से संडे तक 8 होते हैं. दो बाउंड्री डेज, संडे और संडे, राइट है? अच्छा, अब देखिएगा. अब ये मैं उम्मीद करता हूं, क्योंकि आप में से कई बच्चे इस लेवल के हैं कि उनको ये बात क्लिक कर गई थी और वो वेट कर रहे थे कि बस सारा आंसर लगाएं और अगला क्वेश्चन रखें, ठीक है? तो खास उन बच्चों के लिए, अब मैं वाकई में उम्मीद करता हूं कि देखो मैं इस लेवल तक मैं ले आया, बहुत नीचे जाकर के भी, ठीक है, यहां से उठाएं वो बात को. लेट log ऑफ n बेस 3 इज इक्वल टू में अल्फा 1 प्लस बीटा 1, राइट है? एंड log ऑफ n बेस 5 इक्वल टू में अल्फा 2 प्लस बीटा 2, ठीक है? वेयर अल्फा 1 अल्फा 2 आर इंटीजर्स, राइट है? एंड बीटा 1 कॉमा बीटा 2 बिलोंग्स टू 0 कॉमा 1, 0 क्लोज 1 ओपन. फाइंड नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज
ऑफ एन, वापिस से वही कितनी आएगी, तो वही बाउंड्री हटा करके या दो भी करना है आपको, ठीक है। इफ अल्फा वन इज इक्वल टू फोर एंड अल्फा टू इज इक्वल टू टू, एक मिनट बहुत ज्यादा हो गई था, एक मिनट गिना देता हूं, है ना, आ जाता हूं बेटा। अब जरा कहानी को पकड़े, कहानी क्या है, कहानी है अगर पढ़े तो बोर कहानी है, और अगर समझदार है तो क्या जबरदस्त कहानी है, बच्चा दोनों तरह से देखता है। जैसे एक मूवीज के दो अलग अलग लोग देखने वाले जो होते हैं ना, डिपेंड करता है कि गांव वाला देख रहा है कि रईस आदमी देख रहा है, ठीक है। देखो साहब, कहानी के अंदर इतना सिंपल है कि लॉग ऑफ एन बेस थ्री के जो आंसर बने वो अपने आप में दो चीजों का सम है, और दो चीजों का सम क्या क्या हो सकता है, ये हो सकता है कैरेक्टरिस्टिक्स और ये हो सकता है मेंटिसा। मान लो नहीं आया फिर भी, तो आप में से कई लोगों को ये वो जगह जहां हमने क्लिक करवाने की जगह दी थी, मैंने कहा बीटा वन और बीटा टू जीरो से वन के बीच है, याद है मेंटिसा के लिए अभी भी बताया था मैंने, मेंटिसा जीरो से वन में होता है, याद आया। तो कहने का मतलब, एक मिनट पहुंचता हूं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये कि अब कहानी को देखो जरा, दो हिस्सों में दिखा रहा हूं, क्यों दो हिस्सों में दिखा रहा हूं, कहानी है ही दो हिस्सों में, कैसे दे रखी देखो जरा। लॉग ऑफ एन बेस थ्री इज इक्वल टू, मैं आपको दिया अल्फा वन प्लस बीटा वन, लेकिन अल्फा वन खुद ही बोल गया मैं कितना हूं, चार, इसका मतलब ये चार प्लस बीटा वन है, किसी को कोई प्रॉब्लम। अच्छा दूसरी तरफ से देखिएगा, 100% आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आए, अगर आपको यहां तक की बात समझ में आई है तो बहुत बड़ी बात है। ये अगर देखिए फाइव इज इक्वल टू, मैं सामने से दे रखा है अल्फा टू प्लस बीटा टू, लेकिन खुद ही बोल गया अल्फा टू कितना है टू, तो इट इज टू प्लस में कितना बीटा टू, राइट है, वन थिंग वन। अब दूसरी बात सुनना, अगले ने अगर इसको फोर बोल दिया, इसका मतलब इसका करेक्टरिस्टिक कितना है फोर, अगर इसका करेक्टरिस्टिक फोर है तो इसका मतलब यह कि किसी ने जरूर इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर काटा होगा, और ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू चार आई होगी, करेक्टरिस्टिक चार है ना, करेक्टरिस्टिक चार होने का क्या मतलब होता है, करेक्टरिस्टिक लाते कैसे हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर से लाते हैं, अरे देखो ना इसका करेक्टरिस्टिक कैसे लाया था, ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा के दे रखा था। अब करेक्टरिस्टिक खुद ने चल के चार दे दिया तो मैं क्या करूं, मैं तो रखूंगा, मैं तो लॉग में एन बेस थ्री रखूंगा, और इससे करेक्टरिस्टिक के सामने बैठाऊंगा, भाई तू चार है सुनने में है, ठीक है, और अगर चार सुनने में है तो बता भाई तेरी खुद की जुबान से कि एन की वैल्यू कहां तक आएगी। कितने लोगों को पता है कि अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर का आंसर अगर चार है तो वो खुद नंबर कहां से कहां के बीच रहा होगा, चार से पांच या तीन से चार, चार से पांच, श्योर है। तो कहने का मतलब ये कि मैं यहां पर लगा देता हूं लॉग ऑफ एन बेस थ्री इज लाइंग इन बिटवीन चार एंड पांच, कह दू क्या भाई, अगर ऐसा करता हूं तो थोड़ी देर बाद डंडा पड़ेगा, तीन दोनों के चरणों में होगा, और यहां दुनिया को दिखेगा तीन की पार चार, यहां दिखेगा एन, और यहां दिखेगा तीन की पार पांच, और कई बच्चे मुझे यहां से बताएंगे कि एन की वैल्यू इतनी 243 और यहां पे कितना 81 के बीच में शायद आंसर आ रहे हैं करीब में, क्या ख्याल है, यहां तक की बात पकड़ में आ गई। इसका मतलब एन की वैल्यू बीटा बाहर में गया, अपने वो बीटा थोड़ी निकालना है, राइट है, अपने को तो एन की इंटीग्रल वैल्यू निकालनी, बीटा से मेरे को क्या लेना देना, बीटा हो या नहीं हो, बीटा तो सिर्फ ये इंट्रो देने के लिए था कि करेक्टरिस्टिक और मेंटिसा की कहानी है, गलती से कुछ और मत समझ लेना। अच्छा कितने लोगों को ये समझ में आ गया कि इसका करेक्टरिस्टिक कितना है, इसका करेक्टरिस्टिक कितना है दो, अगर ये दो है तो इसका मतलब 100% बात है लॉग ऑफ एन बेस फाइव का डब्बा दो है, और अगर लॉग ऑफ एन बेस फाइव का डब्बा दो है तो इसका मतलब 100% लॉग ऑफ एन बेस फाइव खुद अपने आप में तीन और दो के बीच में, सही है क्या, अरे यार ये मैंने पूछा नहीं, गलती हो गई है, मैं तो पूछा नहीं, आप में से कई लोग अब याद कर लेंगे, समझ में आ गया क्या, एक एन की वैल्यू कहां से कहां के बीच, खुद ही बोल दो आप, यहां कितना लिखूं 125 और वहां कितना लिख दूं 25। अब देखो साहब ये एन कहता है मैं रहूंगा 25 से 125 में, और ये एन कहता है मैं रहूंगा 81, जब दो दो चीजें एक ही चीज के बारे में बात कर रहे हो तो मांड वाली समझौता करो, है ना भाई, अगर आपने कराया तो एक पार्टी कहती है हम रहेंगे कहां से कहां के बीच 25 से 125 के बीच, राइट है भाई, वेर एज दूसरी पार्टी कहती है कि हम रहेंगे 81, राइट है भाई, 81 से 243 तक, राइट है भाई, 243 तक, राइट है भाई। अच्छा 81 पे इक्वल का साइन है, शायद इक्वल होता है डार्क बॉल और यहां हॉलो बॉल,
राइट है, और दोनों के बीच में बताइए दोनों लाइनें कहां से कहां तक एक दूसरे के साथ थी। तो मतलब एन इज इक्वल, मैं लिख रहा हूं मेरे को ध्यान से समझाना भाई, एन इज किससे किसके बीच, बोलो ना कहां से कहां के बीच, 81 इधर इक्वल लू या नहीं लू, कैसे पता, डार्क बॉल तो लूंगा डॉट, अगर बाई द वे डार्क बॉल है तो इक्वल लूंगा, इधर डार्क बॉल नहीं है तो इधर से वैल्यू नहीं लूंगा। कितने लोगों को लगता है एक बाउंड्री लेनी है और एक नहीं लेनी, तो डायरेक्ट नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज, ठीक है, नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज इज इक्वल टू 125 माइनस 81 मतलब 44, सही है। जैसा मैंने बोला था अगर किसी बलक का ये सब बहुत जल्दी आया है इसका मतलब ब्रिलियंट है, फ्यूचर अच्छा है मैथ्स में। हाँ सर अगले टाइटल पे चलो, हाँ भाई अगला टाइटल है नंबर ऑफ डिजिट्स एंड नंबर ऑफ जीरोस। ठीक है, ये नंबर ऑफ डिजिट्स और नंबर ऑफ जीरोस क्या है वैसे तो आपने पढ़ा ही होगा, लेकिन क्योंकि हम लोग हर चीज को बिल्कुल अलग पहलू से उठा रहे हैं, इलेवंथ में जो कुछ भी मैंने भी जो पढ़ाया वो एकदम अलग डिस्क्राइब किया था और ट्वेल्थ में बिल्कुल अलग डिस्क्राइब कर रहा हूं। करेक्टिक्स मेंटिसा के लिए कम से कम एक या डेढ़ पेज भरवाया था, ऐसा हो तो ऐसा करना है, ऐसा हो तो ऐसा करना है, फिर छोटे छोटे पपलू पपलू क्वेश्चन कराए थे। अब कुछ नहीं, जो है वाजिब है सामने देख लो, ये है ना भाई। मुझे लगता है कि शायद आप भी फॉरवर्डली क्यूबिक बहुत सारा अच्छा वाला क्वेश्चन में सपोर्ट आ रहा है, तो मतलब मेरे को नहीं लगता कि आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, तो ये बहुत इजीली झेलेबल है, राइट है भाई। अब अपने पॉइंट पे चलते हैं, ये नंबर ऑफ डिजिट क्या चीज है, नंबर ऑफ डिजिट का भी एक बार जरा थोड़ा सा इंट्रो लगा देता हूं। आप में से कई लोग जानते हैं 10^3 लिखा है जैसे, तो 10^3 का मतलब होता है 1000 होता है कि नहीं, कितने डिजिट हो गए, 1, 2, 3, 4 चार डिजिट हो गए, हाँ है ना। अच्छा अगर भाई दूर मैं आपको बोलता हूं 10^10 तो कितने डिजिट होंगे, 11, हाँ या ना। अब मैं पूरी लाइन बोलता हूं, मैंने बोला डिजिट्स तो आपने ऑटोमेटिकली आपके दिमाग ने क्या पकड़ लिया कि 1000 को लिखा जाता 1000.00, इसका मतलब ये कि नंबर ऑफ डिजिट्स बिफोर डेसिमल, बिफोर डेसिमल इज 4। नंबर ऑफ डिजिट हमेशा कहां के पकड़े जाते हैं, डेसिमल के पहले के। अगर मान लो किसी जगह पे लिखा आ जाए, सपोज किसी ने लिखा होता 2003.12.5604, तो आप बताओ नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हुए, नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हो गए, 6। कहानी पकड़ मांगी, 6 नंबर ऑफ डिजिट्स होते हैं। पहले ये क्लियर है, बिना बोले ये बात आप तक पहुंच गई कि नंबर ऑफ डिजिट्स हमेशा डेसिमल के हिसाब से देखा जाते हैं। और दूसरी बात ये भी चुपचाप आपने अपने आप ही मान ली कि अगर कल को कहानी में 10^10 में कहानी ले आऊं तो आप खट से ने बता देते हो कि 10^10 है तो 11 डिजिट होंगे, वरना आपको गिनना पड़ता है। कितने लोगों को यह बात समझ में आ रही है कि मैं धीरे धीरे बात को मोल्ड करते करते आपको लेके जा रहा हूं कि कभी भी कहानी को अगर पसंद करा जाता है तो इसमें कम और इसमें ज्यादा, इसका मतलब मेरी हर कहानी कैसे भी करके 10 में घुसा देनी है मेरे को, 10 की डिग्री में अगर मैं ले आया तो मुझे पता है आप जवाब दे दोगे तुरंत, है कि नहीं। ये तो हुआ नंबर ऑफ डिजिट्स, अब बात करता हूं नंबर ऑफ जीरोस पे। अब नंबर ऑफ जीरोस क्या है, नंबर ऑफ जीरोस का मतलब होता है जैसे मान लीजिए किसी में लिखा आ गया 0.0002, तो बताइए नंबर ऑफ जीरोस कितने हुए, नंबर ऑफ जीरोस 2, ठीक है ना भाई। नंबर ऑफ जीरोस का मतलब होता है आफ्टर डेसिमल बिफोर नॉन जीरो नंबर, आफ्टर डेसिमल माने दशमलव के बाद और किसी भी नंबर से पहले तक के कितने जीरोज आप गिन के दे दो। कितने लोगों को पता है कि इसका मतलब जब भी मैं लिखूंगा, मुझे नहीं पता इसको क्या लिखते होंगे, शायद मेरा दादा कहला 2 × 10^-3 लिखे थे,
हाँ या ना। तो आप में से कितने लोग इसको देख के समझ गए कि नंबर ऑफ जीरोज हो गए माइनस तीन प्लस वन, बोले तो दो, हाँ या ना, मॉड माइनस तीन प्लस वन, नहीं आया, नहीं नहीं, मॉड माइनस तीन प्लस वन, मॉड पूरा माइनस तीन प्लस वन, क्लिक कर गया। अच्छा आप में से कितने लोग ये भी क्लिक कर जाएंगे कि अगर कल को लिखा होता 0.00000 और 10002, बताइए नंबर ऑफ जीरोस कितने गिनते आप? पांच, बिल्कुल, यहां से लेकर के और यहां तक, न कि सारे जीरो। अब ये हालांकि मेरे को भी ऐसे बकवास एग्जांपल भी देने पड़ते हैं, लेकिन आप में से कोई चल के पूछने आ जाए, इससे बढ़िया मैं ही दे दूं, क्योंकि आपकी इज्जत खराब हो, इससे बढ़िया मेरी इज्जत खराब हो जाए ना, ठीक है। आप ही आ जाओ यार कि सर ये तो इसमें तो ज्यादा लग रहे हैं जीरो, ठीक है, फिर हजिया है, कोई मतलब वाली बात नहीं, रुक जाए, फिर बच्चे नालायक नहीं है, लग रहा है धीरे धीरे, ठीक है। अच्छा आप काम की बात सुने, फिलहाल अब आप में से सभी को यह कहानी तो पकड़ में आई गई कि मुझे हर बात को कैसे टर्न कराना है 10 की पावर में। अगर मैं 10 की पावर में टर्न करा पाया तो आप जीरो भी बता सकते हो और डिजिट भी बता सकते हो, बता सकते हो ना, है ना, ये बेस है। अब बेस को देख करके अपन चलते हैं थोड़ा बहुत क्वेश्चन की दुनिया में, ठीक है भाई। अच्छा क्वेश्चन की दुनिया में सपोज किसी ने कहा है कि नंबर ऑफ जीरोस, सॉरी नंबर ऑफ डिजिट्स, ठीक है ना, इन 2 to the power 100, क्या ख्याल है? बैठे भाई एक मिनट, ये कुछ ज्यादा जल्दी हो गया, मैंने एक चीज और मिस कर गया मैं, ठीक है, क्योंकि मेरे को लगा नहीं था कि मैंने ये बात नहीं बोली, मैं दोबारा बोल देता हूं। हम किसी भी क्वेश्चन में जब भी एंटर करेंगे, है ना, तो पहले से एक सेकंड, अभी धीरे धीरे उधर आ जाऊंगा मैं, चिंता मत करो, ठीक है। मुझे अगर इसमें कितने डिजिट हैं तो पता करना है। एक तरीका तो आपने वो पीएनसी वगैरह में सीखा नंबर ऑफ जीरोज निकालने का, नंबर ऑफ डिजिट निकालने का तरीका वहां भी नहीं सीखा। आपको याद होगा नंबर ऑफ जीरोज को नंबर ऑफ साइफर्स कहते थे, ठीक है, वो ग्रेटेस्ट इंटीजर में एन अपॉन पी वगैरह, है ना, तो नंबर ऑफ साइफर्स की बात नहीं चल रही है और वो तरीका भी हम यूज नहीं कर रहे, हम लॉग का मेथड यूज करेंगे, है ना, लेट इट बी क्लियर, पहली चीज। दूसरी बात, अगर बाय द वे मैं इस पूरी कहानी को एक्स मानता हूं तो एक्स इक्वल टू में मैंने मान रखा है कितना, 2 की पावर कितना 100, और क्योंकि कहानी में मुझे 10 की पावर में देखने की आदत अच्छी लग रही है तो मैं इसमें जानबूझ में 10 की पावर में लेकर जाने के लिए दोनों तरफ लॉग ऑफ एक्स बेस 10 ले रहा हूं। क्या ख्याल है? लॉग ऑफ 10 बेस कितना, 2 की पावर कितना हो गया 100। तो आप में से हर एक जने को दिख गया होगा 100 into log 2 base 10, और यहां पे मेरे को एक बार बोल ही देने दीजिए, हालांकि आप में से कई लोगों को याद है कि log 10 बेस 2 का मतलब 0.3010 है, है ना भाई। आप में से कई लोगों को यह भी याद होगा log 3 बेस 10 इज इक्वल टू 0.4771 होता है। याद रखने की बात यह भी है कि कभी भी जिंदगी में log 5 को याद नहीं रखते, उसे हमेशा log 10 बाई 2 बना लेते हैं। याद आया? क्लिक कर गया या नहीं करा? 5 कभी भी याद नहीं रखते, उसे log 10 बाई 2 बना लेते हैं, और 10 बाई 2 बनाते हैं log 10 माइनस log 2, 1 माइनस log 2। क्लिक कर गया, है ना। अब इधर आ जाता हूं, फिलहाल अभी इसकी बात चल रही थी, उम्मीद है हर एक जने को पता हो गया 100 इंटू में log 2 बेस 10 का मतलब हो गया 0.3010 उर्फ 3.10। क्या ख्याल है आपका? नहीं बताया यार आप, आज आप मजे में नहीं पड़ रहे यार, क्या चक्कर है? ये समझ में नहीं आ रहा क्या आपको? आ रहे हैं ना भाई, तो अगर देखा जाए, बोलो ना सही है, एक्स बेस 10, हाँ भाई, इसको डंडा पड़ जाएगा, डंडा पड़ते ही एक्स की पावर कितना हो गया 10 की पावर 30.10। और ये वो जगह आ गई जहां बच्चे का धर्म संकट चालू होता है, यार सर 10 की पावर 30 हो तो बता देता, 10 की पावर 31 हो तो बता देता, ये तो 30 पॉइंट पे अटक गई गाड़ी। तो मैं आपसे पूछ लेता हूं, मेरे दोनों बातों का जवाब दे दो कि अगर 10 की पावर 30 होता तो कितने डिजिट होते? 31, और 10 की पावर 31 होता तो 32। ये 31 है क्या? नहीं है सर। इसका मतलब ये कि डिजिट कितने? 31। 31 ही डिजिट है। कहानी पकड़ में आई कि नहीं आई? नहीं आई। कहानी पकड़ में आई? नहीं आ रही है। आ रही है क्या? और अगर मान लो नहीं आ रही तो मतलब फिर भी संवेदन नहीं होना, मतलब सेंसिटिव ना हो। याद रखना 10 की पावर एक्स इज इक्वल टू में अगर कभी भी कोई डिजिट पूछे तो रिमेंबर करेक्टरिस्टिक प्लस 1 आंसर होता है, राइट है। अब मैं आपसे पूछता हूं करेक्टरिस्टिक कितने लोगों को पता है, इसका करेक्टरिस्टिक कितना है, किसका करेक्टरिस्टिक निकाल रहे हो आप, ये तो बता दो। एक्स का, याद आ गया? इसका करेक्टरिस्टिक कैसे निकालते हैं? मैं तो भूल गया करेक्टरिस्टिक कैसे निकालते हैं।
ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा के, तो किसी को याद है इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा? 30। तो यहां पे आंसर हो जाएगा 30 प्लस 1 मतलब 31। वैसे तो वहां पे भी निकल गया था, तो लिख लीजिएगा नंबर ऑफ डिजिट्स, ठीक है, इक्वल टू 31। एक और बात जो मैं यही बोल दूं, ठीक है, ताकि आप भी समझ जाएं कि ये जो फॉर्मूला है ना, log x base 10 is equal to my characteristic plus 1, this is not only made for number of digits, equally made for number of zeros. अगर number of zeros भी निकाल लें तब भी यही फॉर्मूला बिंदास काम करता है, एक फॉर्मूले पे कहानी रची आती है। इसीलिए आपको बार बार characteristic पढ़ा रहा हूं मैं, मैं आपको करेक्टरिस्टिक के इर्द गिर्द इसीलिए लेके आया, हालांकि लाने के बावजूद भी आपने मेरा यहां हल्का सा नुकसान कराया। मैंने जैसे पूछा करेक्टरिस्टिक कैसे निकालते हैं, हम भूल गए ग्रेटेस्ट इंटीजर लेके। कितने लोग बता सकते हैं इसका मेंटीसा? 0.10 माने 0.1। याद है मेंटीसा निकालो तो करली ब्रैकेट, बोले तो फ्रैक्शनल पार्ट, ठीक है। हाँ भाई, अब मेरे को लगता है कि अपने यहां ऐसे कुछ प्यारे प्यारे बच्चे हैं जो कर देंगे इस तरह क्वेश्चन, ठीक है। नंबर ऑफ डिजिट्स इन 5/3 to the power 100, डू इट। आप कितने लोगों का आ गया, ये भी तो इंपॉर्टेंट है। हाँ बहुत है, बढ़िया। हाँ साहब, पहला काम आपने क्या माना, x इज इक्वल टू में कितना 5/3 to the power कितना 100। फिर आपने क्या किया, log x बेस 10 ले लिया, x बेस 10 लेते ही 100 आगे आ गया होगा, और आपने से कई लोगों को यहां दिखने लग गया होगा log 5/3, तो दुनिया ने कहा होगा log 5 माइनस log 3 और सबके बेस में 10, राइट है भाई, बहुत बढ़िया है। आपने से हर एक जने को यह भी पता चला होगा कि log 5 बेस 10 का मतलब log 10/2, तो लिख दू 1 माइनस, कितना लिखना बोलो ना, log कितना, यहां क्या लिखना है ये बताओ, 3010, यही सुनना है बस, और कुछ नहीं सुनना। माइनस में 0.4771, राइट है भाई। इन दोनों को जोड़ के अगर आपने 1 में से घटाया होगा तो कितना आया होगा, 100 मल्टीप्लाइड बाई कितना, 0.2219, बेहतरीन। तो इसका मतलब ये बन गया होगा 22.19, क्या ख्याल है? Yes. और अगर ये बन गया होगा तो log ऑफ x बेस 10, इसके आगे आपने जरूर 10 की डिग्री में नहीं बदला होगा। Yes. अब आपने अगर बाय द वे क्या निकालना था, डिजिट्स, तो अगर बाय द वे नंबर ऑफ डिजिट्स निकालना था तो इसी का ग्रेटेस्ट इंटीजर याद है, 22.19 का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस 1, ये कर लिया होगा, और इससे आपका आंसर 20। इजी है ना भाई, ये तो हुआ नंबर ऑफ डिजिट्स, और आप लोगों ने अपनी तरफ से काफी बच्चों ने क्वेश्चन कर दिया, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। अच्छा, अब बात चलती है किसकी, नंबर ऑफ जीरोस पे। इस पे भी फटाफट से एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, राइट है भाई। नंबर ऑफ जीरोस की कहानी अगर देखी जाए तो नंबर ऑफ जीरोस हैं, ठीक है, नंबर ऑफ जीरोस, ठीक है, ऑफ इट्स डेसिमल, नंबर ऑफ जीरोज आफ्टर डेसिमल है, ठीक है, आफ्टर डेसिमल, आफ्टर डेसिमल बिफोर नॉन जीरो, नॉन जीरो डिजिट इन 2 to the power minus 100, ठीक है, 2 की पावर माइनस 100 में कितने डिजिट आखिरकार है ना आंसर में आने वाले हैं, मिला लें, एक मिनट लगेगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। याद है ना क्या करना है, पहला काम मुझे x इज इक्वल टू कितना मान लिया, 2 की पावर में कितना -100, दोनों तरफ क्या ले लिया, log ऑफ x बेस 10, सभी लोगों को दिख गया -100 जम करके आगे, log के अंदर कितना बन गया, log 2 बेस 10, श्योर, इसको भी बता दो, आप देख नहीं रहे हो यार आज,
क्या आप कर लोगे क्या? हाँ कर लेंगे ना, मैं वेट कर लेता हूँ ना, वो मेरे लिए बेहतर है। मैं क्यों आखिरकार एनर्जी खपाऊं? मुझे पता है मेरे को सही बच्चा मिल रहा है, कर लेगा वो। अभी मिला लेते हैं ना, थोड़े सा टाइम लगेगा, ठीक है? 31, 30, 32 व्हाटएवर, अभी पता कर लेते हैं। अभी मिला लेता हूं। श्योर है? मेरा काम एकदम पक्का होगा, मैं आता हूं इस पे, ठीक है? मुझे पता है ये हो जाएगा कितना, 0.3010 मल्टीप्लाई करते आपने से हर एक बच्चे के मुंह से निकल जाएगा 30.10। और बस मैं यहीं रुक जाऊंगा, मैं तुरंत लिख दूंगा नंबर ऑफ जीरोज, नंबर ऑफ जीरोज, ठीक है? इक्वल टू में कितना, करेक्टरिस्टिक बोले तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 30.10 प्लस एक, किसी को ध्यान है ये कितना लेके जाएगा, माइनस 31 प्लस 1, तो इसका आंसर हो गया माइनस 30। इसका नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं, 30, ठीक है? 30 नंबर ऑफ जीरोज आने वाले हैं। बहुत क्लोज जा रहे थे आपके आंसर, और उम्मीद थी मेरे को भी कि ये गलतियां यही हो सकती हैं और कुछ नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है आपने से किसी का सोच थोड़ी ना रॉन्ग होती है, बस ठीक है कई बार कैलकुलेशन होंगे, है ना? अच्छा, ये हुआ नंबर ऑफ जीरोज एंड नंबर ऑफ डिजिट्स, है ना भाई? अब अपन इसको वाइंड अप करने से पहले, है ना, एक छोटा सा क्वेश्चन है उसको करके निकल जाते हैं। बिल्कुल किसी का टाइम हो गया, देखो है ना। अच्छा अब जरा इसको भी रोक लेते हैं अपन लोग, ठीक है? मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, बैल बजने तक का इंतजार किया करो, है ना? सॉल्व, अंडर रूट में दे रखे हैं एक्स स्क्वायर प्लस में 12y, देखो इसका मतलब ये कि ऊपर वाला अपने साथ है, ठीक है? कई लोग मुझे कह रहे थे हो गया होगा, बैल नहीं बजी थी, मतलब वाई स्क्वायर प्लस में 12x, ठीक है? इजिकल टू दे रखा 33 और सेमी कॉलन, क्वेश्चन में दे रखा है एक्स प्लस वाई इजिकल टू 23, ठीक है ना? सॉल्व माने एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, ठीक है? नहीं ज्यादा लंबा चौड़ा काम नहीं, मैं अभी इसको निकाल दूंगा आपने से, तो आपको तो सिर्फ कॉपी करने का समय लेना है, ठीक है भाई? एक्स प्लस वाई इजिकल टू 23 और इन दोनों का सम 33 है, ठीक है भाई? कहानी में इंटरेस्टिंग चीजें हमेशा अंडर रूट के अंदर होती हैं। अंडर रूट के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो हिंट दे रहा होता है कि कहानी में कुछ ऐसा है जो स्ट्राइक कर जाना चाहिए मुझे। पहली बात, हर बार की तरह पिछली बार भी अंडर रूट के क्वेश्चन को मैंने नाम दे दे के किया था, एक को यू एक को वी, अभी भी एक को यू एक को वी मान लू या ए और बी, आप जो बोले मान लेते ए और बी, तो उम्मीद है आपने से हर एक जने को ए प्लस बी बराबर 35 दिख रहा है, हाँ या ना? ये आपका पहला काम जो गिवन है, ये तो गिवन है। तो आप में से हर एक जने को यह भी पता होना चाहिए कि अगर बाय द वे मुझे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करना पड़ गया तो आप करने वाले हैं, ए स्क्वायर करते ही ढक्कन उड़ जाएगा इसका, और यहां पे माइनस बी स्क्वायर करते ही ये घटेगा, तो आप में से कोई बताएगा क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 12 वाई माइनस एक्स, श्योर है आप? और ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर में जो भी बचा अपने को वैल्यू तो कुछ मिली नहीं, है ना? तो अगर देखा जाए कुल मिलाकर के x माइनस वाई दोनों में से कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा वो बता दो आप, तो अंदर बचा x प्लस वाई प्लस 12। तो कई बच्चों को यहां से एक चीज का और हिंट हो गया कि x माइनस वाई को तो सर लप के रखे आप, एक्स प्लस वाई की वैल्यू 23 दे रखी है, तो यहां पे कितना हो गया 35, तो ये हो गया 35। अच्छा माइनस, अच्छा कॉमन माइनस 12 होगा, अच्छा ये माइनस 12 हो गया, एक सेकेंड, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और माइनस 12 ले लेंगे सर कॉमन, तो एक्स प्लस वाई बचेगा, 12 कॉमन ले लिया तो वाई माइनस एक्स, सही जा रहे थे यार अपन, है ना भाई? सही जा रहे थे, ठीक है भाई? अच्छा कोई बात नहीं है, बीच में कभी कभार हो जाता है ना भाई। अच्छा एक्स माइनस हो सकता है वो सही होता तो अपना कहानी जो बहुत दूर जाके खराब होती वो यहीं पर रुक गई। अच्छा यहां से अपने को ये पता चल गया कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर में जो भी है ये आ गया, है ना भाई? अच्छा लेकिन हम तो ए प्लस बी को जानते हैं, तो इसने अपने आपको ब्रेकअप करवाया कि भाई मैं तो हूं ए माइनस बी ए प्लस बी और हमारी वैल्यू आ रही है साहब 35 इंटू में एक्स माइनस वाई, राइट भाई? और ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है
33. तो यहां से अगर देखा जाए तो a माइनस बी इज इक्वल टू में फाइनली कितना निकलने वाला है, 35 इंटू में कितना, 35 इंटू में 35 अपॉन 33 इंटू x माइनस वाई. हाँ भाई, मैं आपका ज्यादा यहां से समझ नहीं लूंगा, मुझे पता है यहां से आप कई लोग देख लेंगे आप इस चीज को. ठीक है भाई, अब आपके पास a प्लस बी पड़ा है और a माइनस बी भी पड़ा है, क्या ख्याल है? अगर आपने ऐड कर दिया तो दोनों को ऐड करते ही मैं यहां से आपके लिए होमवर्क छोड़ दूंगा, ज्यादा नहीं क्योंकि टाइम ले लूंगा तो बहुत ज्यादा हो जाएगा. अगर मैंने ऐड कर दिया तो ऐड करते ही हमारे पास में a की वैल्यू आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी. अच्छा, a की वैल्यू आते ही आपके पास में a पड़ा हुआ है, पढ़ा कि नहीं पढ़ा? अब आप a की वैल्यू को जो भी यहां से आए उधर से इसका स्क्वायर करना, यहां से जो भी a की वैल्यू आए उसका स्क्वायर करना और उधर वाले के स्क्वायर के सामने बैठा देना, आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी. और x की वैल्यू आते ही यहां रख देना, y की वैल्यू आ जाएगी. कर लेंगे यहां के आगे क्या, मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, ठीक है? ट्राई जरूर करके आना, मैंने दिखा जरूर दिया आज साहब, ठीक है?